लस्सी इसके बीच में ऐड कर दे। बच्चे कितने आपके? बच्चे तो बोल रहे उन्हें बहुत आते रहा छोटे। आपके अपने? मेरे? हाँ आपके बोल रहा हूँ। इसके पास नहीं जाना पड़ता, नहीं तो भाई अटैक करेगा ये। खाता है? बिल्कुल। दादा जी नमस्ते। महाराज जी ठीक ठाक है? ये भेड़े ना पप्पू भाई को हुक्का नहीं दे रही है पीने, और पप्पू भाई को बहुत गुस्सा आ रहा है। ये देख लो भाई छोटे छोटे बच्चे किस तरह से चला रहे। बट लगभग 10 दिन के बाद जो है भेड़ बकरियों की गिनती कर रहे हैं। नमस्कार साथियों, राम राम जी, क्या हालचाल है आप सभी के? आई होप आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सुबह की अभी 6 बज रहे हैं। ये वाला बैग मैं अंदर रखता हूँ, इसमें चार्जर वगैरह और अपना पावर बैंक, साथ में कुछ चीज़ें होती हैं जो ज़रूरी होती हैं, टॉर्च वगैरह मैंने इसमें रखी है। और चलते हैं बाहर, आपको दिखाते हैं सबसे पहले मॉर्निंग का व्यू। इस तरह का है भाई मॉर्निंग का व्यू। सभी को गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मेरे उठने से पहले देख लो आप, यहाँ पे अपने मेहमान लोग आ चुके हैं। दादा जी नमस्ते। महाराज जी ठीक ठाक है? ठीक है जी। पहुँच गए? पहुँच गए। तो देख लो भाई 90 साल की उम्र है और दादा जी यहाँ पे डेली आते हैं लगभग, और घास लेने के लिए। और सुबह का व्यू देख लो, आज थोड़ा मौसम भी इस तरह का देख लो खराब हुआ है। पप्पू भाई राम राम जी। राम राम। ठीक है? खड़ा है बढ़िया। भेड़ बकरियाँ एक जगह पे इकट्ठी हो चुकी हैं और अपने भाई लोग फिलहाल यहाँ पे बना रहे हैं खाना, और तिल्लू भाई धो रहे हैं कपड़े। मॉर्निंग के टाइम में इनको कपड़े धोने पड़ते हैं, और उसके बाद 9 बजे के आसपास ही लोग निकल जाते हैं। तो पप्पू भाई दूध निकालने का काम कर रहे हैं, सुरेश भाई को थोड़ा काम था। वैसे तो मॉर्निंग के टाइम में सुरेश भाई निकालते दूध। ये वाली बकरी है देख लो, ब्लैक की, इनको थोड़ी सी ऐसे पहचान है क्योंकि ब्लैक बकरी ना दूर से दिखाई देती है काले रंग की। तो जितने भी भेड़ बकरियां देख लो आप, साइड में चले गई। ये थोड़ी सी डरती ज़्यादा है भेड़े, है ना? आपसे भी डरती है ना, चाहे कोई भी हो, मैंने देखा सच में एकदम भाग जाती है जैसे कोई आया। पप्पू भाई ठंड हो गई आज तो, ठंड हो गई है ना, लग रहा है आज बारिश के चांस है पूरे ना। कोई पता नहीं, बड़ा अजीब सा लग रहा है आज। यहाँ से मैं जा रहा हूँ और अपने भाई लोगों से आज अलविदा कहना पड़ेगा। लगभग मैंने यहाँ पे इस डेरे पे 15 से 16 दिन यहाँ पे बिताए हैं, और नाइट स्टे मैंने यहाँ पे 7 दिन किया लगभग। इनके साथ एक अलग सा लगाव हो गया है। चलो नेक्स्ट टाइम इनके साथ ज़रूर आएंगे। और ये लोग जब अपने ले वाले रोड पे, यानी कि जांसकर वाला जो एरिया है बारालाचा, उस तरफ जाते हैं, तो उस टाइम देखूंगा मैं, और जुलाई के टाइम में फिर से इनके साथ जाने की कोशिश करूंगा, और फिर से मिलेंगे इनके साथ, और उस टाइम मिलेंगे एक नई खूबसूरत वादियों में, और आपको भी नए ब्लॉग्स इनके साथ दिखाने की कोशिश करूँगा। ये बकरा और दूसरा ये, हाइट देखो इनकी आप, सबसे मतलब बड़े बकरे हैं ये जितने भी हैं यहाँ पे। थोड़ा सा मैं पास में ले चलता हूँ आपको, ये देखो। तो ये है अपना कालू। कालू गुड मॉर्निंग, कालू गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और चा, तो सुबह की चाय बन चुकी है, अपने भाई लोग चाय पी रहे हैं, और स्पेशली देखो दादाजी को भी चाय दे दी इन्होंने। जितने भी डेरे पे लोग आते हैं उनको सबसे पहले चाय देते हैं। कोई ये लाए भाई पप्पू दूध दूध के, देख लो लगभग 1 किलो के आसपास है। दो वाला था 1200 जे फूक दूंगा तो फोन कर दे। मैं फोन कीते मेरे सज्जन तीसरे करे बैठ रहा हूं, तू ना बोल दे मुझे। हां हां रुपया पंगा है 12 बोले रे फूकने दे चो जल्दी जल्दी दुआ के बड़े लंग कर रहे हैं। दादा जी आपके टाइम में कौन कौन से गद्दी आते थे यहाँ, आप तो जानते ही होने, जो अब नहीं आते मतलब। अच्छा इनके पिताजी दीदू भाई के, और कोई पुराने गद्दी? मैंने ऐसे देखा हुआ है ना बचपन में छोटे छोटे थे मेरे तो सियाने सियाने नहीं, महिलाएं भी आती देखो साथ में, पहले गद्दी के साथ महिलाएं भी होती, बच्चे होते थे मैंने देखे हुए।
ये भेड़ है ना, पप्पू भाई को हुक्का नहीं दे रही है पीने, और पप्पू भाई को बहुत गुस्सा आ रहा है। क्यों पप्पू भाई? रात भी नहीं टिक दिया, रात को भी कर रही ड्यूटी 12 से 2 है, और सुबह तंग करना, बैठने नहीं देती। तो लगभग आज तो यार 4 बजे तक उठ ही रही भेड़ बकरिया, अति करा दी इन्होंने। अच्छा उठा करना फोन तो वो दया सारी एक बारी उठाई है ना, तीना दाता जंगल में। अच्छा, नहीं किसे विष्णु की? ना ना विष्णु नहीं है, वो रे ना ता 2-3 गले दोस्त। अच्छा, क्या बोल रही, एक बार बैठ जाती है बस वो, एक बारी उठना थी ना कहने टाई के देनी है। मुझे लग रहा है सारा बारिश का फंडा है, अगर बारिश होती ना। ना ना बारिश का तो उनको भी बात कहां पड़ी, पर ये भी बात है वो चुपचाप बैठी रहती है। वो जो तो पता है दो एक बारी हटना छेड़ना थे ना वो टाणियां, इनको पता नहीं क्या चक्कर है। ये देखो ना, ये भाई इधर भेड़ बकरी है ना अपने, मतलब ऐसे उठती रहती है सारी रात, जबकि भाई लोगों ने सारा दिन इनको अच्छे से चराया होता है, 9-10 बजे के आसपास ले जाते हैं और शाम को 5:45 के आसपास जो है वापस लाते हैं, फिर भी इनकी भूख नहीं हटती है ना। तो भाई ये है वो भेड़ का बच्चा जिसके ऊपर खाल शाम को पहनाई थी दूसरे बच्चे की, इसके जो उसका अपना बच्चा था उसकी खाल है ये, देख लो इसके ऊपर जो लगी हुई है, तो इसने इसको अपना लिया है। अब इसको लग रहा है कि ये मेरा ही बच्चा है, बिल्कुल साफ दिखाई देगी आपको, देखो खाल पहनी हुई है इसने। अब सोया जाके है, अब आ रही नींद, सारी रात तंग करता है। गोवर्धन भाई कहाँ गया? गोवर्धन भाई गया दुकान समान समून ले आने। अच्छा, तो आप लगा रहे हैं तड़का है ना? तड़का। तो भाई आज मेरा लास्ट दिन है, अलविदा है फिर आज। ठीक है जी, अलविदा। चलो फिर मिलेंगे अपने लाहौल वाले एरिया में अगर मौका मिला। ठीक है ना, कुल्लू मनाली। हाँ नई जगह पे, और जुलाई के टाइम आते हैं ना आप वहाँ? हाँ जुलाई में, है ना, जुलाई में। जुलाई पप्पू भाई भी होने उस टाइम? ना। हाँ हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, कोई पता नहीं होता। क्यों इधर छोड़ देंगे परमानेंट? थोड़ी छोड़ दे, अगले साल आना फिर दिहाड़ी देंगे तो आते रहना नहीं। अच्छा मतलब वही 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 दिहाड़ी वाला सिस्टम है ना, दिहाड़ी देंगे तो आ जाएगा। अपने भाई की ना 60-70 बेटे हैं, और गोवर्धन भाई की भी 60-70 बेटे हैं, बाकी पप्पू भाई हैं दिहाड़ी पे। इनके पास वैसे 3 ही जने हैं, तो चौथे ये लाए हुए अपने पप्पू भाई। ये है हमारे आर्मी मैन, प्रॉपर आर्मी वाली ड्रेस है, और अपनी करड़ी ड्यूटी है इनकी, करड़ी बोलते हैं, करड़ी ड्यूटी है मेरी सबसे मतलब टफ ड्यूटी है मेरी, 12 से 2 के बीच में जब ड्यूटी खत्म होती है, तो उसके बाद भी मुझे नींद नहीं आती है पप्पू भाई, सच्ची बात है वो, सच्ची है। मजेदार ड्यूटी की आसान है क्या है ओए भाई। तो अपने भाई लगाएंगे ये जो गोभी शाम की बची हुई, इसको तड़का, और थोड़ा सा इसमें मेरे ख्याल ग्रेवी मतलब पानी डालेंगे थोड़ा सा। ना ना लस्सी ले आए गांव से। अच्छा अच्छा लस्सी आई जो अपने भाई आए थे, इन्होंने लाई होनी है ना। क्या बात है, चलो ऑयल डाल दिया सरसों का। आप डाल देते हैं हल्का सा पका तेल, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं आप पकाते, ज़्यादा नहीं खुद पकता रहेगा बाद में ना, मैं देखा पक जाता है लास्ट में। सुरेश भाई ये बताओ, फर्स्ट टाइम मैं आपसे मिला, सच बताना कैसा लगा आपको मेरा? बहुत बढ़िया लगा है, बहुत बढ़िया। पक्का कैसे बोल रहे हैं सामने? ना 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 बढ़िया लगा, बढ़िया सामने क्यों बोल रहे बाकी गत में भी। तो पतीली को देख लो भाई, लोग नीचे उतारते हैं उसके बाद लगाते हैं इसमें चौंका अच्छे से, और देख लो गोभी बीच में डाल दी है। तो भाई दो रहे यहाँ पे धनिया, हरा धनिया डालेंगे। तो ये कहाँ से लाया आपने? ये भी दुकान से लाया कि लेके आया था कोई? वो लेके आते हैं, आया था बंदा लेके। बर्तन हमारे पास इस तरह के जो टीन है, 3 है, और ये देख लो बड़े वाली कैन 20-20 लीटर की, और ये 2 इस तरह की है 10-10 लीटर की, बाकी इस तरह की लगभग इनके पास 4 टॉर्च है, और ये वाली जो है ये सोलर वाली टॉर्च है, तो लगभग 5-6 घंटे ये वाली टॉर्च निकाल देती है, और इसकी लाइट ना बल्ब से भी ज़्यादा है। तो ये देख लो बहुत ही बढ़िया है, ये वैसे कैंपिंग वाली मुझे वो सिस्टम लग रहा है ये जो लाइट है। भाई जंगल के बीच में ना जितना भी खाना बनाओ बिल्कुल एकदम नंबर 1 होता है कसम से, घर में इस तरह का खाना नहीं होता, पता नहीं क्या चक्कर है क्या टेस्ट होता है ऐसा जगह है भाई। देखा ना अपने भी, आप तो जंगल में रहे घर में भी खाया होगा बीच में, तो जंगल वाला खाना सच में अपना एक अलग ही होगा, और सिंपल तड़का होता है। यहाँ देख लो कोई टोमेटो कोई इस तरह के नहीं, टोमेटो तब डालते हैं लोग जब कोई
खास पनीर लाया हो या मीट वगैरह कभी चिकन इस तरह का बनाना हो, बाकी आप देख लो। लस्सी इसके बीच में ऐड कर दे और ये इसलिए घुमाना पड़ता ताकि ये थोड़ा सा फटे नहीं है ना, वही होता है ना। 3-4 मिनट इसको भाई घुमाएंगे और उसके बाद लस्सी जो है एक फट जैसी आती है, अजीब सा है, मतलब इसमें वो समझ लो कि ऐसा लगता है जैसे दही होता ना, जैसा वैसा लगता है ना। पप्पू भाई पिला दिया बच्चों को दूध, तो देख लो पप्पू भाई को ना। वैसे एक बात बोलूं कि आपने अपने बच्चे कितने आपके बच्चे तो बोल रहे उन्हें बहुत आते रहा छोटे आपके अपने मेरे हाँ आपके बोल रहा हूँ कितने हैं दो एक है। तो पप्पू भाई ने मुझे लगता है आज तक मतलब जो बॉटल वाला दूध है अपने बच्चों को भी नहीं पिलाया होगा, बट जंगल में आके ना भाई को कसम से 12-13 बच्चों को दूध पिलाना पड़ता है। तगड़ा एक्सपीरियंस हो गया आपका। दिलू भाई ने रख दिया यहाँ पे पानी का टीन भरा हुआ, तो आज कोई नहाने वाला है दिलू भाई? आपने नहाना? हाँ जी। देख लो छोटा सा बच्चा भेड़ के कान किस तरह से खा रहा है, इसको तंग कर रहा है। ये देख लो भाई मोर भाग रहा है साइड। कालू के लिए दूध और रोटी डाल दी है, अब कालू की तैयारी हो चुकी है, इसके पास नहीं जाना पड़ता नहीं तो भाई अटैक करेगा ये। हाँ, खाता है बिल्कुल, देख टेढ़ी नजर से दिख रहा है कालू आ गया आ गया। ये छोटे वाला ना इसको तंग करता है, देखना ये देखो बच्चा दूर रहे दूर रहे दूर रहे, नहीं तेरा काल तुझे बुला रहा है। और भूरी के लिए यहाँ पे डाला हुआ है दूध, तो भूरी खा रही है, भूरी बिल्कुल भी नहीं मतलब तंग होती। अभी भाई लोगों ने खाना खा लिया है और लगभग 10 मिनट के बाद सारी भेड़ बकरियाँ उठ जाएंगी और इनको ले जाया जाएगा इस तरफ चराने के लिए। तो डेरे में देख लो ये हमारे आज के चौथे मेहमान हैं मॉर्निंग टाइम के, और ये है दूसरा कुत्ता, इसका नाम भी कालू है। और ये देखिए इसके लिए भी दूध चावल और रोटी डाल दी है। गोवर्धन भाई भी सामान लेके आ चुके हैं, तो एक घंटा इनको लगभग समझ लो गए हुए हो चुका है और अभी वापस आए हैं। क्या लाए भाई, आटा लाए कि चावल? तो देख लो यहाँ पे राख से बर्तन धोए जाते हैं। अच्छे से धूप लग चुकी है, सुबह तो यार मौसम खराब था। देखिए सूर्यदेव जी के दर्शन हो चुके हैं, जय सूर्यदेव। तो मैं सबसे पहले टेंट क्लोज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख लो पत्थरों से आग को ढका जा रहा है ताकि शाम के टाइम आग ना जलानी पड़े, और ये थोड़ी सी लकड़ी बची है ये तब तक जल जाएगी शाम तक, और अंगार जो है अच्छे से भाई को मिल जाएंगे शाम को भी। तो दिलू भाई ने दवाई खा ली है और थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं, तो जैसे हमारे मेन सरदार कैप्टन उठेंगे वैसे ही एक सीटी बजेगी यहाँ से और सारी भेड़ बकरियाँ जो है चलना शुरू हो जाएगी। गद्दी भाषा में क्या बोलते हैं सरदार को? ठिंग। ठिंग, तो ये अपने ठिंग भाई हैं। ये है वो बच्चा देख लो भेड़ का, तो इसने पहनी हो खाल जो शाम को निकाली थी। उस जितने भी छोटे छोटे मेमने हैं वो इकट्ठे कर लिए हैं, इनको अब बंद कर दिया जाएगा इस कमरे में, क्योंकि शाम के टाइम तक ये भेड़ बकरियां हैं अब ये चरने जाएंगी, तो ऐसे में इनको यहाँ पे बंद कर दिया जाएगा और शाम के वक्त जो है ये दोबारा से इनको इनकी माँ के पास छोड़ दिया जाएगा। किस तरह से ला रहे कर दो भाई अंदर बंद। और इनकी जो माएँ हैं देखो खिला रही हैं, इनको कहाँ ले जा रहे हो, इनको भी पता है कि ये शाम के टाइम मिलेगी अब। और ये देख लो ये है खाल वाला बच्चा, तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कई चीजें इनको ऐसे ऐसे जुगाड़ करने पड़ते हैं। हमारे सर्जन का काम करते हैं अपने सुरेश भाई, ये पूरा ऑपरेशन का काम करते हैं, तो यही ऑपरेशन थिएटर है सामने ये जो डेरा है। ये देख लो खाल निकाल दी है और भेड़ यहाँ पे पहुंच चुकी है, इसको लग रहा है कि इसको क्या कर रहे हैं। ये देखो बारी बारी से बच्चों को अंदर ले जाया जा रहा है।
लगभग 30-35-40 बच्चे हैं जिनको यहाँ पे बंद किया जाएगा। और देख लो भेड़ कितनी जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे अंदर जाने के लिए, क्योंकि इसका बच्चा अंदर है। वैसे तो हमारे गद्दी भाइयों को सारी जजमेंट है कि हमारी भेड़ बकरियां कितनी हैं, बट लगभग 10 दिन के बाद जो है भेड़ बकरियों की गिनती कर रहे हैं। ये देख लो ये गिनती हो रही है यहाँ पे। तो सुरेश भाई भेड़ काउंट कर रहे हैं और ये अपने भाई बकरियों की काउंटिंग कर रहे हैं। तो यहीं से इस तरफ ये भेड़ बकरियां भेजी जा रही हैं। देख लो ये एक तरीका है, देख लो गद्दी भाइयों का। और उस तरफ पप्पू भाई हैं ताकि भेड़ बकरियां उस तरफ से ना घुसें। और देख लो इसी साइड से जो है सारी भेड़ बकरी जाएगी। और इनको भी पता है आज भेड़ बकरियों की कि हमारी काउंटिंग होने जा रही है। ये चीज़ बड़ी विचित्र है। और यहाँ से आगे बिल्कुल नहीं जाएंगी जब तक इनको आदेश नहीं दिया जाएगा यहाँ से आगे जाने के लिए। ये देख लो सुरेश भाई हर एक भेड़ के ऊपर डंडा रख रहे हैं। डंडा रखने का मतलब है कि काउंटिंग। तो भाई लोगों के साथ बहुत अच्छा लगा, अच्छे दिन बीते और बहुत सारी यादें लेके जा रहा हूँ। तो आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भाई, कमेंट जरूर करना और इनकी लाइफ को अच्छे से देख लेना। और कमेंट तो बनता ही है, ये लोग भी वीडियो देखते रहते हैं। तो लगभग 15 दिन मैं इनके पास रहा और 7 नाइट मैं यहाँ पे रहा हूँ रात को। तो मिलेंगे आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जय श्री राम जी।